दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक शानदार ब्लॉग में दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करें, खूबसूरत है और टाइम ब्रश सुबह का 11:30 से ऊपर में मैं अब आई हूँ। प्यारे से किचन में बना रही सुबह का नाश्ता और थोड़ा भात भी रखा है, दलिया बना रही, रोटी बना रही, क्योंकि बुढ़िया का भी आप फुल डे है, परवेश का भी फुल डे था, इसलिए बोल रही कि परवेश आने वाला है, क्योंकि सुबह का इसको परवेश का दोपहर का बुढ़िया का है, जब भी इसमें टाइम से चला गया पॉलिश मेरा नाश्ता नहीं हुआ, बस मैं चाय दो वक्त की चाय पी थी, उसके बाद क्या मालूम दो दिनों से मेरे को ना भूख नहीं लगी, मैं तो भूख लग जाती थी लेकिन नहीं लगा खाने को, नहीं क्या मालूम। तो कल हम पार्टी में भी गई थी रात को, बर्थडे पार्टी में, उधर मैंने भात खाया ना, वो राजमा भात, राजमा पनीर की भाजी और दही और पुस्ता रहता, उससे पता नहीं क्या हो गया मेरे को, पता नहीं उससे गैस हो जाती मेरे को, सब चीज़ वैसी वाली थी जो पचती नहीं मेरे को, लेकिन अब पार्टी में गई थे, खाने पे बुलाए थे तो खाना था ही, तो आज भूख नहीं लग रही, जो कल का खाया है वो ऊपर आ रहा है, ऐसे गले में नहीं आती, यहाँ पे ऐसे लग रहा अटक गया होगा, तो इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। खुशी को भेज के आई थी तो बैठी थी तब से मैं, क्योंकि जगदीश ना रहा था तो मैंने बोला बाहर भी कहाँ जाओ, बाहर भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो मैं लेटी थी। उसके बाद मैंने अभी कपड़े उपड़े धोए, कपड़े धो रही थी जगदीश से, तो उसके बाद मैंने कपड़े धोए, कपड़े उपड़े धोए, तो गुड़िया भी उसका भी आज फुल डे है, तो गुड़िया रोटी लेके जाएगी, तो एक में मैंने दलिया रखा है और एक में मैंने भात रखा है, एक में तवा रखा है, तो रोटी बनाती जब तक दलिया बनता है, भात बनता है, क्योंकि कल की राजमा पूरी बची है, तो परवेश है या परवेश के लिए भात हो जाता है, जगदीश के लिए भी भात हो जाता है, आज एक ही कटोरी बनाई, क्योंकि तो इधर मैंने ये दलिया रख दिया, दलिया उबलने बैठ गया था, पहले मैंने पानी डाला था इसमें भिगाने के लिए रखा था 1-1.5 घंटे से, तो बस ये अब ये उबलेगा, मतलब दलिया तो उबल गया था, तो दूध मैंने अब डाला, इसमें मैंने भात रखा एक ही कटोरी खाली, दो जन खाने वाले, अब ये तवा रख दिया, रोटी बनाती हूँ, चलो बनी रहे वीडियो में। तो चलो स्कूल जा रही है अभी खुशी को भेजने के लिए, ये मेरी हमेशा की ड्यूटी है, पारवा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये हॉस्पिटल ने आप एम्बुलेंस भी आई, कोई लगी है, बाप रे, ओ चलो हमको रोड क्रॉस करने के लिए मिल गया, तो चलो फाइनली हमने रोड क्रॉस कर दिए, तो चलो फाइनली हमने इधर से भी रोड क्रॉस कर दिया है और फटाफट जाना है आज स्कूल में, पहले तो लेट हो गया है, 10 मिनट बाकी है, देखते हैं। और बाहर इतनी चमचमाती धूप लगी है खुशी की, मार्केट इतना धूप हो रहा है ना, इधर हालत ख़राब हो गई कसम से, मैंने इसको बोला था ना शॉर्टकट के रास्ते चल, मैंने खुशी को भेज दिया गेट के अंदर, अब मैं जा रही हूँ घर पे, प्रवेश को देख रही थी लेकिन प्रवेश नहीं मिला, तो मैं स्कूल के पीछे से जा रही अभी, देखती हूँ प्रवेश किधर घूम रहा है, क्योंकि मेरे को मिला नहीं, इसके दोस्त इधर होंगे, इसको इधर देखती हूँ मैं, आज कहीं पर भी देखती हूँ आगे, या तो दूसरे रास्ते से चला गया वो, तो साथ में जाते हैं, क्योंकि होली भी आने वाली है ना, बच्चे मस्ती करते हैं, इसलिए मैंने बोला साथ में लेके जाता हूँ। बहुत ज़्यादा छतरी भी नहीं देखी, प्रवेश में गया, प्रवेश को घूम रही थी, प्रवेश नहीं मिला, मेरे को लगता है दूसरे रास्ते में चला गया, चलो थोड़ा यहाँ पर बैठती हूँ उसके बाद आगे, चलो आ गई मैं गुड़िया को छोड़ के घर पर, मेरी क्या हालत इतनी ख़राब हो गई, मैं से आदमी नहीं, आँखों से इतना पानी, इतना आंसू आने लगा, इतनी धूप से हालत खराब, मैं तो वहाँ पर बैठ गई आधा घंटा, तब आई हालत ख़राब हो गई, जब तक मैं आते थे तब पर घर में आया था, पर उसको खाना दिया, उसने रोटी भी नहीं खाई थी, उसको फिर उस रोटी पहले बोलता मम्मी मैं बोल रहा, इसलिए क्या मेरे को भूख क्यों लग रही था, उसने रोटी भी खा ली, दलिया बनाया था, दलिया दे दिया, भात बनाया था, भात तो नहीं खाया, बस रोटी दलिया खा लिया, बस दोस्तों वीडियो को आज इधर ही एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय महाराष्ट्र।